सरगोधा में मरियम नवाज के कागजात के खिलाफ एतराज दाखिल हो गया। लाहौर में बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी पर भी एतराज जमा करा दिया गया। बानी पीटीआई के NA 122 पर कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल, लीगी उम्मीदवार मियां नसीर ने एतराज आयद किया, मौकफ अपनाया, बानी पीटीआई सजा याफ्ता है, इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं। कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल, 3 बड़े रहनुमाओं के कागजात के खिलाफ एतराज दाखिल। सरगोधा PPSC में मरियम नवाज के कागजात के खिलाफ एतराज आयद कर दिया गया। दरख्वास्त गुजार अली हसन शाह एडवोकेट और ताहिर एडवोकेट का कहना था, मरियम नवाज मुख्तलिफ मुकदमात में सजाई याफ्ता हैं, उनके कागजात मुस्तरद किए जाएं। लाहौर के हल्के NA 127 में बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी पर भी एतराज सामने आ गया। शहरी मोहम्मद अयाज ने रिटर्निंग अफसर के नाम दरख्वास्त में कहा कि बिलावल भुट्टो ने अपने कागजात नामजदगी में पीपल्स पार्टी के बजाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से वाबस्तगी जाहिर की है। एक शख्स एक वक्त में एक जमात का रुकन हो सकता है। बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल 28 दिसम्बर को होगी। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मियाँ नसीर ने बानी PTI के खिलाफ एतराज जमा करा दिया। NA 122 के उम्मीदवार मियां नसीर का दरख्वास्त में मौकफ था कि बानी PTI सजाई याफ्ता हैं, इसलिए वो इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।